नमस्कार, मेरा नाम है सोनिका और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। सामने आई जामिया लाइब्रेरी में पुलिस कर्मियों द्वारा की गई छात्रों की बर्बर पिटाई की तस्वीरें। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की उस खौफनाक रात का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस के जवान बर्बर तरीके से छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। 15 दिसंबर की इस रात के सामने आए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि शांत होकर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय सिर से लेकर पैर तक हेलमेट समेत तमाम सुरक्षा कवचों से भरपूर पुलिस के जवान बिल्कुल निहत्ते होकर मासूम छात्रों पर हमला बोल देते हैं। पिटाई के दौरान पुलिस कर्मियों को न तो उनके सिर दिखते हैं और ना ही उनके पैर, और घेर कर उनकी अंधाधुंध पिटाई शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही लाइब्रेरी में भगदड़ मच गई और छात्र इधर उधर बदहवास होकर भागने लगे। जामिया के एक छात्र ने इस फुटेज को जारी करते हुए बताया कि इसी हमले के बाद एक बच्चे की आंख खराब हो गई। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी इस वीडियो में पुलिस की बर्बरता बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है। यह जामिया को ओल्ड रीडिंग हाल ही में पहले तल से स्थित है। घटना 15 दिसंबर को 6:08 पर हुई थी। यह भी वीडियो में देखा जा सकता है। यह घटना बाहर CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के कुछ ही समय बाद घटी थी, जब पुलिस कर्मी द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद परिसर के भीतर घुस गए थे। पुलिस ने यह कहते हुए भी अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पथराव कर पुलिस कर्मियों को घायल किया था, उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया। हालांकि बाद में जामिया प्रशासन ने भी छात्रों को यह भरोसा दिलाया था कि वह बगैर इजाजत के परिसर में घुसने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, लेकिन उनका क्या हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है।